नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम एंड आई एम सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आज के ट्रेड सेटअप को और जानेंगे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से इसे यहीं पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट वीक डाओ, S&P 500 और नैस्टैक एक मार्जिनल रैली के साथ क्लोज हुए, जबकि क्रूड ऑयल अराउंड $63 पे और गोल्ड अराउंड $1740 पे हमें कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन एशियन मार्केट में आज एक शार्प फॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि सिंगापुर बेस्ड एसजेक्स निफ्टी 14,800 के ऊपर ओपन होने के बावजूद करंटली निफ्टी का जो फ्यूचर लेवल है उसमें हमें एक शार्प डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जिसके बाद एडीआर लेवल्स पे हम ICICI बैंक, HDFC बैंक, वेदांता के केस में आज एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इवन कैश मार्केट में बोथ FIIs और DIIs हमें एज ए नेट सेलर के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। FNO सेगमेंट में यहाँ पे निफ्टी का जो वीक मंथली एक्सपायरी है यहाँ पे उसमें मंथली फ्यूचर हमें 14,893 पे देखने को मिलता है। तो अगर ये 14,700 के नीचे यहाँ पे ओपन होता है तो इसमें एक शार्प डिक्लाइन आगे यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंटली इसका पुट एंड कॉल रेशियो हमें 1.61 पर देखने को मिलता है और आज हम सेल को यहाँ पे FNO ट्रेडिंग से बैन होता हुआ देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपको इंफोसिस का नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट संडे यानी 14th of April को यहाँ पे अपना Q4 रिजल्ट के साथ एक बायबैक प्रोग्राम आगे जाके लॉन्च करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पे विप्रो लिमिटेड ने कैपको को एक्वायर करने के लिए मार्केट से $1 बिलियन का एक फंडिंग रेज किया है, जिसकी वजह से आगे इसके रेवेन्यू में हमें एक ग्रोथ आगे जाके यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और आज यानी 12th of April से यहाँ पे Q4 रिजल्ट सेशन यहाँ पे शुरू होने वाला है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यहाँ पे आज एक अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ के साथ अपना प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर का जो शॉर्टेज है उसे देखते हुए इसे एक्सपोर्ट करने का यहाँ पे एक बैन ऑर्डर जारी किया है और 7 इंडियन फार्म जैसे कि हेट्रोड्रग्स, जाइडस कैडिला, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी जैसे कुछ कंपनीज यहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पे एक इंक्रीमेंट लाते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को इसके लेंडर्स के साइड से फिर से यहाँ पे 2 साल का एक मोराटोरियम मिल सकता है, जिसकी वजह से आगे जाके फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर यहाँ पे स्क्रैपेज पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हावड़ा, कर्नल, हैदराबाद और ग्रेटर मुंबई में यहाँ पे अपना एक स्क्रैपेज यार्ड यहाँ पे बनाने जा रही है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें स्टॉक में आगे आने वाले पीरियड में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद टाटा मोटर्स के बाद टाटा पावर ने अपना जो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो मलेशियन स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसे यहाँ पे कैंसिल किया है, जिसके चलते आगे यहाँ पे इसका जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है उसमें थोड़ी बहुत आपको डिक्लाइन आगे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे JSW स्टील में LIC की जो होल्डिंग है वो हमें 4.8% तक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बारबेक्यू नेशन के केस में UTM म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है उसे अराउंड 5.0188% पे यहाँ पे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए आपको बारबेक्यू नेशन में कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि करंट वैल्यूएशन को देखते हुए इसमें आपको एक शार्प डिक्लाइन यहाँ पे इसके अर्निंग रिजल्ट पब्लिश होने के बाद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टाटा कम्युनिकेशन ने यहाँ पे भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे अपना एक पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे शुरू किया है, जिसके चलते यहाँ पे ये बियॉन्ड 100 Gbps का एक इंटरनेट कनेक्शन आगे जाके प्रोवाइड कर सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसे आप अभी फ्री में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पे हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम मॉडल पोर्टफोलियो के साथ आपको स्विंग और मल्टीबैगर ट्रेड्स के सारे डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से आप जाके ज्वाइन करें अगर आपको हमारे मल्टीबैगर और स्विंग ट्रेड्स के बारे में जानना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।